हेलो फ्रेंड्स, अभी हमारे NICU में एक नया न्यू बॉर्न बेबी पेशेंट एडमिट हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये न्यू बॉर्न बेबी 12 आवर का है और ये नॉर्मल डिलीवरी के समय इसको बर्थ किया गया। और नॉर्मल डिलीवरी के बाद दोस्तों ये इसके जो पूरी बॉडी थी वो ब्लू हो चुकी थी, यानी बर्थ एस्फिक्सिया हो गया था इसको। और इसको हमारे हॉस्पिटल में लेकर के आया तो जो इसका ऑक्सीजन रेट है वो लगभग 25-23 के आसपास था और पल्स रेट काफ़ी डाउन था। आप इसका अभी प्रेजेंट टाइम में आप पल्स रेट देख सकते हैं, यहाँ पे 88 हो रहा है और इसका जो ऑक्सीजन है वो इसको हम लोग वेंटिलेटर मशीन पे रखे हैं तब जाकर के इसका 98 के आसपास इसका जो ऑक्सीजन रेट है वो बता रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको ये वेंटिलेटर मशीन सपोर्ट दिया गया है। यहाँ पे इसका जो ऑक्सीजन रेट है आप देख सकते हैं, यहाँ पे रेस्पिरेटरी रेट 54 के आसपास है और इसका जो O2 है वो, यानी ऑक्सीजन रेट वो 50% दिया जा रहा है इसको। और ये यहाँ पे रेस्पिरेटरी रेट जो बच्चा ले रहा है वो 54-53 के आसपास ले रहा है, यानी अभी इसका जो लंग्स है वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा है अच्छे तरीके से खुद से ऑक्सीजन लेने के लिए। तो इसको हम लोग वेंटिलेटर सपोर्ट पे यहाँ पे रखे हुए हैं ताकि ये बच्चा जो इसका लंग्स है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए और अपने से ये बच्चा जो है सांस लेने पाए। दोस्तों, बर्थ एस्फिक्सिया में कंडीशन ये होता है कि बच्चे का जो बॉडी है उसमें ऑक्सीजन की डिफिशेंसी हो जाती है ब्रेन से लेकर के लंग्स तक, और जब लंग्स पूरे तरीके से ओपन नहीं होता है और इस कंडीशन में पूरी बॉडी जो है वो ऑक्सीजन डिफिशेंसी होने की वजह से ब्लू दिखाई देने लगती है। तो यहाँ पर इसको अभी हम लोग SIMV मूड पे रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो SIMV मूड है यहाँ पे, इस पर यहाँ पे रखा गया है इसको। कल रखा गया था लगभग दोपहर में, अभी मॉर्निंग 21 तारीख, अब यहाँ पे डेट भी है देख सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, हमारे हॉस्पिटल में यहाँ पे इसका जो फैसिलिटी है वेंटिलेटर मशीन का यहाँ पे हमारे यहाँ है और इस पर बच्चों को, कई बच्चे यहाँ पे रिकवरी फेज में होकर के बिल्कुल स्वस्थ और नॉर्मल हो जाते हैं। अब हमारा इससे पहले का वीडियो भी हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। काफ़ी बच्चे इस पे वेंटिलेटर मशीन पे जाने के बाद भी ठीक हुए हैं और यहाँ पे हमारे NICU में इस बच्चे का यहाँ पे जो है थेरेपी चल रहा है, इसका जो ट्रीटमेंट है। आपको कोई भी जानकारी अगर लेना है वेंटिलेटर मशीन के बारे में या बच्चे के बारे में या वेंटिलेटर मशीन पे रखे हुए बच्चे के बारे में, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको पूरी मदद करेंगे, आपको पूरी जानकारी देने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये है वेंटिलेटर मशीन।